देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम गरदा मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भटौरिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। पहले साल की तरह ही इस बार भी प्रदेश सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेष ध्यान किसान और युवाओं पर रहा। हालांकि बजट से अगर किसी का ज्यादा चेहरा खिला तो वो थे 16,000 शिक्षक जो 2 साल से पढ़ा रहे हैं और अब इसी साल 1 जुलाई से ये नियमित हो जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने खुद को किसानों का हितेशी बताते हुए कहा कि सरकार धान का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों के लिए अपने वादे को पूरा करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। अब इस योजना के अंतर्गत ही समर्थन मूल्य से अंतर की जो राशि है वो दी जाएगी। इसके अलावा पर्यटन विकास योजना के लिए 103.50 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निर्माण करने की बात भी कही गई। प्रदेश में हर साल आदिवासी महोत्सव का आयोजन भी होगा। वहीं प्रत्येक पुलिस रेंज में साइबर पुलिस थाने की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा और भी बजट में क्या कुछ खास रहा ये भी हम जानेंगे। तो ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा बघेल के बजट पर ही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में इस बार शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी गई। प्रदेश में कुल 16,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन होगा। 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षा कर्मियों का इस साल ही 1 जुलाई से संविलियन प्रारंभ होगा। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि पर आधारित है, लिहाजा बजट कृषि किसानों के विकास पर केंद्रित है। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। सर, बघेल का ये बजट कितना बढ़िया है, जनता के कल्याण के साथ ही प्रदेश के विकास के लिहाज से सीएम भूपेश बघेल का बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट कितना दमदार रहा, इस पर चर्चा शुरू करें। आयुष से पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बजट 2020-21 पेश। युवाओं और किसानों के साथ सरकार का स्वास्थ्य पर ध्यान। शिक्षकों को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी। बड़ा सफल बघेल का बजट क्या पूरी तरह जन कल्याण को रहा समर्पित। भूपेश सरकार के कार्यकाल का दूसरा साल जारी है। ये साल कितना बेमिसाल रहेगा, निश्चित तौर पर इसका पता वक्त के साथ ही चलेगा। हालांकि प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने की सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब जनता, खासकर किसान और युवा खुशहाल हो। लिहाजा सीएम भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का जो दूसरा बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों के लिए बघेल के बक्से से बहुत कुछ निकला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो किसानों को धान का मूल्य 2,500 रुपए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक किसानों का हित सर्वोपरि है। हालांकि सरकार की ओर से सबसे बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को मिली। दरअसल प्रदेश में 2 साल की नौकरी पूरी कर चुके 16,000 शिक्षकों को 1 जुलाई से रेगुलर यानी कि संविलियन करने की घोषणा की गई। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जाएगा। इसके लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा कर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 में सविलियन किया जाएगा। बजट में सीएम भूपेश बघेल ने ये ऐलान भी किया है कि IIT, IIM और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले प्रदेश के युवाओं का सरकार दाखिले से लेकर पढ़ाई तक का खर्चा उठाएगी। इस बजट में पर्यटन पर भी सरकार का पूरा फोकस रहा। दरअसल पर्यटन के बजट में 75% का इजाफा किया गया है, जबकि नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत 163 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 60 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस श्लोक के साथ अपने बजट भाषण की शुरुआत करने वाले सीएम भूपेश बघेल ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की।
छत्तीसगढ़ का बजट 2020-21 1,02,907 करोड़ का है, जो कि पिछली बार से 7,000 करोड़ ज्यादा का है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार ने 17,34,000 किसानों का कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06% की वृद्धि संभावित है। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बघेल का बजट विशाल है, लेकिन देखना तो ये है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ की जनता का कितना कल्याण होता है और प्रदेश विकास की ओर किस रफ्तार के साथ बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बघेल का बजट 2020-21 कितना बढ़िया है, किस वर्ग को क्या सौगात मिली है, किसान, युवा और आदिवासियों के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा, चलिए जानने के लिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल जुड़े हुए हैं और उनके साथ बजट का विश्लेषण करने के लिए खास पैनल भी मौजूद है। तो मनोज जी, आप अपने पैनल का परिचय कराते हुए उनसे ये जानिए कि बघेल का बजट जन कल्याण के लिए कितना समर्पित है। मनोज जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक बजट पेश किया है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दूसरा बजट था। इस बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपनी बाई ओर से शुरू करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अशोक बजाज जी हैं, भाजपा प्रवक्ता। धर्मराज महापात्रा जी हैं, कम्युनिस्ट नेता। और वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता, आप सभी का स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी के पास चलूंगा, उनसे जानूंगा कि जिस तरह से घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया था और उसके मुताबिक सरकार ने जो उनका पहला बजट था वो तो लोक लुभावन था, चूंकि उस समय लोकसभा के चुनाव थे और ये माना जा रहा था कि उस समय जो सफलता मिली थी विधानसभा में उसको दोहराने के लिए उसी तरह का बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया था। इस बार के बजट को कैसा देखते हैं आप, अपनी जो जन घोषणा पत्र को मूर्त रूप देने में ये कितनी सहायक आपको लगती है? देखिए मनोज जी, पहला जो बजट था वो लोक लुभावन तो नहीं, पहला बजट में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे और पहले वर्ष में ही 18 वादों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था। अब हमारी जो प्राथमिकता है, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता, ये गांव, गरीब और किसानों को दृष्टि में रख करके सरकार अपनी योजनाएं बना रही है, उसी के हिसाब से कार्यान्वित कर रही है। अब पिछली दफा कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाते ही 11,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफी करना पड़ा था, 21,000 रुपया धान खरीदी में राशि बैक क्या करना पड़ा था। अब वो इस साल जो 11,000 करोड़ की राशि जो हमने कर्ज माफी के लिए खर्च किया था वो राशि अतिरिक्त हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस बार के बजट में आप देखेंगे तो 16,000 शिक्षा कर्मियों को मात्र 2 साल की समयावधि पूरी होने पर उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। सरकार चाहती है कि शिक्षा में गुणवत्ता रहे, शिक्षा कर्मी जैसे शब्दों को यहाँ समाप्त करके नियमित शिक्षक यहाँ पर रहें ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। इस दिशा में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूछती थी कि कब दोगे, पैसा कब दोगे, अंतर की राशि कब दोगे। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और इसके अनुरूप उन्होंने अंतर की राशि को देने के लिए भी बहुत विशिष्ट रूप से प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, अगर आप बजट पे गौर करेंगे तो जहां चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया है, नौजवानों को 75,000 नौजवानों को मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ जो तमाम गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको मिल सकेगा। इस दिशा में सरकार ने काम किया है। इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। मैं स्वयं झीरम में घायल हुआ था और झीरम के घटना में हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी पीढ़ी को खोया था और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी दल जो है, कोई भी सरकार अपने उन वरिष्ठों को स्मरण में रखती है, ध्यान में रखती है, उनके कृत्यों को ध्यान रखती है। जिन लोगों ने शहादत दी छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के लिए, उनके स्मारक के रूप में नए रायपुर में जो स्मारक बनाया जाएगा,
ये बहुत ही स्वागतीय कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को गौरव है कि हमारे रायपुर में स्वामी विवेकानंद जी का आगमन हुआ था, जिस स्थान पर वो रुके थे उसको स्मरण करना, उसके नाम से स्मारक की स्थापना करना। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के तमाम जो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेंगे उनके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, छत्तीसगढ़ के जो नौजवान एम्स में और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करेंगे उनके फीस की भरपाई राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम मैं इसको मानता हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताओं में बराबरी कर सके और छत्तीसगढ़ के मान को ऊंचा कर सके। अगर कुल मिला के देखा जाए तो पूरे बजट में सर्वांगीण बजट है, ये छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। और मुख्य रूप से एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि इसमें नौजवानों के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है या उद्योग के लिए कुछ नहीं है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो 70-80% किसान है, 85% किसान है, वो सिर्फ किसान नहीं है, उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता की जेब में जब पैसा जाता है वो बाजार में जाकर के खरीदी करता है, खरीदी करने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उद्योगों को भी काम मिलता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत आप सुधार देंगे तो छत्तीसगढ़ के भगवान की भी हालत, पूरे देश के भगवान की हालत सुधर जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों के पास पैसा होगा, वो तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, वहाँ भी प्रसाद चढ़ाएंगे। इसलिए इंसान की हालत सुधारिए, भगवान की हालत भी सुधर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब भाजपा प्रवक्ता से उनकी राय जानते हैं कि बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर पर जो शुरुआती प्रतिक्रिया आई थी कि दो जो वादे हैं जैसे हर युवाओं को रोजगार देना या शराबबंदी, इस बात को लेकर आप लोगों ने सरकार को घेरा है, बाकी और कैसा लगा आपको बजट? छत्तीसगढ़ सरकार ने आज जो बजट पेश किया है विधानसभा में पूरी तरह से निराशाजनक है और दिशाहीन बजट है। इसमें जो वादे इन्होंने किए थे विपक्ष में रहकर कांग्रेस पार्टी ने, उन वादों से पूरी तरह मुकर रही है। ये कहते हैं हमने वादा पूरा कर लिया, 18 वादे पूरे कर लिए, एक भी वादा जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है, केवल वादों को टच किया गया। जैसे बिजली बिल हाफ कहने की बात है, 400 यूनिट में बांध दिया गया, बिजली बिल हाफ कहाँ हुआ है, बिजली सप्लाई हाफ हो गई है। इस बजट में आप देखेंगे कि किसानों को पिछले साल 750 रुपये के अंतर की राशि दी गई थी, इस साल 685 रुपया कर दिया गया, यानी लगभग 500 करोड़ रुपया तो यही काटा मार दिया किसानों का। अंतर की राशि क्यों कटौती की गई ये समझ से परे है। आज 2500 हो रहा है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य 65 रुपया बढ़ा है, तो उस हिसाब से 2565 रुपया धान का मूल्य होना चाहिए, हर साल ये बढ़ोतरी होती जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य में, उस हिसाब से इनको भी बढ़ाना चाहिए लेकिन उस मात्रा में नहीं बढ़ाया गया। इसी तरह से युवाओं को भी ठगा गया इन्होंने, युवाओं को कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, समाज सेवा के लिए पारिश्रमिक देंगे, लेकिन 2500 रुपया महीना देने का कहीं कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है। इन्होंने कहा कि गौठान के लिए 10000 रुपया प्रति महीना देंगे, यानी 333 रुपया प्रतिदिन एक गौठान के खर्च के लिए दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि 333 रुपये में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो चारा कहाँ से आएगा, वहाँ रहने वाले मजदूर और कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा, उसका रख रखाव कैसे होगा, घुरुआ का रख रखाव कैसे होगा, जैविक खाद कैसे बनाया जाएगा, उस खाद का किसे उपयोग होगा, ये सारी बातें जो हैं एक प्रकार से खिलौने के समान है। ये एक मजाक बना लिया इन्होंने छत्तीसगढ़ को, 10000 रुपये में आप एक महीने में 1000 मवेशियों की कैसे रक्षा करेंगे ये तो बताइए। तो लगातार ये किसानों को ठग रहे हैं, नौजवानों को इन्होंने ठगा, नशा मुक्ति की बात ये लोग करते जरूर हैं लेकिन नशे की आदत बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, लोग परेशान हैं, जगह जगह देखिए घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है इनके राज्य में, कहाँ से आ रहा है शराब, शराब अगर सरकार बेच रही है तो बाजार में गांव-गांव में घर-घर में शराब कैसे पहुंच रही है, कहाँ का शराब है, ये जनता जानना चाहती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इन्होंने वादा किया था कि हम आपके महिला स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए
काम करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। पहला बजट तो चलो पहले पहले दो तीन महीना इनको हुआ था आए हुए तो समझ नहीं पाए थे बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन आज 15 महीने बाद जब दूसरा बजट आया है तो इसमें सारी बातों को रहना चाहिए लेकिन कहीं कोई नहीं है। जल संसाधन नीति इन्होंने बनाने की बात कही थी, बताइए कहाँ है जल संसाधन नीति? बेमौसम बारिश हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए कहीं कोई नीति नहीं बनाई गई है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकें छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बेमौसम बारिश से जो किसान हलाकान है परेशान है इसके रोकथाम के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से धान खरीदी की बात हम करें, धान खरीदी में किस प्रकार से तड़पा तड़पा के धान इन्होंने खरीदा, तरसा तरसा के टोकन दिया, कैसे इन्होंने परेशान करके बारदाना दिया, तौल हुआ खरीदा, कैसे रुला रुला के नहीं नहीं धान धान खरीदी एक प्रमुख मुद्दा है। इन्होंने कहा कि हम धान खरीदी के लिए 5100 करोड़ रुपए बोनस दे रहे हैं। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी 10,000 करोड़ रुपए का बोनस किसानों को अपने कार्यकाल में दिया था। ये वर्षवार मेरे पास आंकड़ा है कि 10,000 करोड़ रुपए का हमने बोनस दिया था, 2 साल नहीं दिया, उसको ये लोग मुद्दा बनाते जरूर हैं, लेकिन अगर अंतर की राशि 750 रुपये से 685 कैसे हो गई ये जनता आज जानना चाहती है। कई क्षेत्रों को इन्होंने अनदेखा किया, बस्तर की अनदेखी की, जहां 12-12 सीटें इनको कांग्रेस पार्टी को बस्तर के आदिवासियों ने दिया और उस बस्तर के लिए क्या है? कुछ नहीं है, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कोई व्यापक योजना इस बजट में मुझे दिखाई नहीं देती। कुल मिला के लोग निराश हुए हैं, हताश हुए हैं, आने वाला समय कैसा होगा ये सोचने वाली बात होगी। चलिए आपके तमाम बातों पर सुरेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे लेकिन पहले महापात्रा जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि उनको बजट कैसा लगा कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के हिसाब से। देखिए बात ये है कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, एक तरफ ये सरकार खुद इस बजट के जरिए ये कह रही है कि जीएसटी का जो कलेक्शन होता है अब ये केंद्रीय स्तर पर होता है, इस बार भी जो जीएसटी का कलेक्शन है उसका पैसा जो है राज्यों को उस तरीके से वितरित नहीं हो पाया। दूसरी बात उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की है कि आगामी वर्ष में भी जीएसटी का जो कलेक्शन है उसमें जो है गिरावट दर्ज होगी। उस रोशनी में सरकार ने जो पूरा 1,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ये जो बजट पेश किया है तो ये स्रोत क्या होंगे और उसके आधार पर जो वितरण किया गया है वो थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए जिसमें अस्पष्टता दिखती है। दूसरी बात यह है छत्तीसगढ़ के अंदर ये सरकार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करती है। किसानों के धान खरीदी का सवाल एक बड़ा सवाल था जिसने एक राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित किया पिछले विधानसभा के चुनाव में, और पिछले चुनाव के बाद जिस सरकार ने जो पहला बजट पेश किया उसमें किसानों के मामले में जो उन्होंने वादा किया उसका एक सकारात्मक संदेश भी गया। लेकिन इस बजट में उन्होंने ये जरूर ये कहा कि हमने 82,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदा है, उन्होंने ये जरूर कहा कि जो अंतर की राशि है उसके लिए जो है हम उसका भुगतान करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है धान खरीदी के मामले में जो अराजकता हुई है और आज भी जो है बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर है, वो अपना धान खरीदने के लिए जो फिर से एक बार टोकन देने की मांग कर रहे हैं, उनके जो धान है उसको खरीदने के बारे में जो है सरकार से आश्वासन चाहते हैं, उस पर ये बजट मौन है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसानों के अभी जो बेमौसम बारिश हुई है उससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। हालत ये है कि जो सब्जी उत्पादक किसान है वो तो बुरी तौर पर जो है संकटग्रस्त हो गया है, लेकिन इस बजट में इतनी बड़ी जो प्राकृतिक आपदा जो किसान झेल रहे हैं उनको राहत के मामले में कोई घोषणा किसी तरीके से नहीं की गई है, ना ही भविष्य में इस किस्म की जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी उनसे जो प्रभावित किसान होंगे उनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान की बात भी इस बजट में दिखती नहीं है। जहां तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल है, ये उनके घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, पिछले बजट में भी ये उस पर कोई बात नहीं हुई, इस बजट में भी कोई बात नहीं हुई। आज सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का सवाल है और इस रोशनी में मनरेगा को लेकर
उन्होंने ये जरूर कहा है बजट के जरिए कि सरकार ने जो भी ये जल संचय को लेकर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो निवेश वो कर रहे हैं उसको मनरेगा से जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज मनरेगा के मामले में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से बजट आवंटन में कटौती किया है और मनरेगा को बोथा बनाने की कोशिश हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, उस संदर्भ में रोजगार का एक बड़ा जरिया मनरेगा है ग्रामीण क्षेत्र में। हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन शुरू हो रहा है, तो उस रोशनी में रोजगार के सवाल पर, एक बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर, दूसरा जो है रोजगार के सवाल पर इस बजट में जो प्रावधान होने चाहिए थे, जो दिशा होनी चाहिए थी, उसका अभाव है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये अच्छी बात है कि शिक्षा कर्मियों के संविलियन के मामलों में उन्होंने जो भी कहा उस पर जो घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार के बारे में आपने जो बजट में जो प्रावधान किए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लगभग 1,25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी की सहायिकाएं और कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, जो लंबे समय से उनको जो आजीविका के लिए मानदेय दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उन्हें छला था और इस बजट में भी जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के मामले में बजट मौन है। केवल यही नहीं, अनऑर्गेनाइज ये स्कीम वर्कर जो काम करते हैं, मध्यान्ह भोजन के रसोइये के रूप में जो काम करने वाले लोग हैं, जो 1200 रुपए की आजीविका पर जिंदा हैं, वो भी लंबे समय से जो है इस सरकार से उम्मीद लगाए हुए थे, ये विश्वास किए थे कि उनके साथ पिछली सरकार ने धोखा किया, ये सरकार शायद उनकी बातों को सुनेगी, लेकिन उनके वेतन में या मानदेय में बढ़ोतरी के मामले में भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज हमको ये समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर एक गहरा संकट है। आप जो ये दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर जो जीडीपी के आंकड़े हैं, अभी जो हाल ही में आंकड़ा आया कि 4.7 और घट गया है, छत्तीसगढ़ में जो है हमारे जीडीपी का आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप जो इंडस्ट्री के मामले में, उद्योग के मामले में आपकी क्या नीति है? आपने कहा था हम उद्योग नीति लेकर आएंगे, लेकिन उस नीति का क्या स्वरूप है, किस रूप में आप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करना चाहते हैं, वो इस बजट में उसका अभाव दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है छत्तीसगढ़ के अंदर ये हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज मांग का संकट नहीं है, संकट है लोगों की क्रय शक्ति का, क्रय शक्ति के अंदर कमी है। और अगर क्रय शक्ति में आप बढ़ोतरी नहीं करोगे तो फिर जो है ये मांग का संकट जो है उससे बाहर नहीं निकल सकते, और मांग का संकट से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो संकट है आप उसको दूर करने के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। उस रोशनी में ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए ये आपको जो है मनरेगा को जो एड्रेस करना था वो आपने नहीं किया। अर्बन एरिया के अंदर भी जो बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी रोशनी में शहरी गरीबों के लिए भी आप कोई रोजगार गारंटी की योजना शुरू करके उनके कोई रोजगार का प्रावधान कर सकते थे, उसको आपने संबोधित नहीं किया। आम लोगों का जो है जो किस तरीके से उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आप अपनी अर्थव्यवस्था में उन सार्वजनिक निवेश आप बढ़ाते हैं उस पर आपने कोई बात नहीं की। और आपने ये जरूर कहा कि इंश्योरेंस के जरिए जो है लोगों को हेल्थ के सेक्टर में हम मदद करेंगे, उसकी एक योजनाओं का आपने घोषणा किया, लेकिन आपकी सारी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के मामले में योजना चलाने वाली जो मितानिन है, वो मितानिन जिस हालत में रहती है वो भी बड़ी बड़े उम्मीद के साथ आपसे अपेक्षा कर रही थी कि कम से कम जो है उनको भी आप कोई आर्थिक मदद करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इन क्षेत्रों को एड्रेस करते, उनकी इनकम में अगर आप कोई बढ़ोतरी करते, उसके लिए कोई प्रावधान करते, तो ये जो पैसा इनके हाथ में आप देते वो उनकी मौजूदा क्रय शक्ति को बढ़ाता, और वो मौजूदा क्रय शक्ति को बढ़ाने से जो डिमांड पैदा होता वो डिमांड के जरिए जो है इकोनॉमी के अंदर एक रिसाइकिलिंग की प्रक्रिया शुरू होती, और तब जो है आप सही मायने में अर्थव्यवस्था को संबोधित कर पाते। पिछली सरकार भी जो है ये पर कैपिटा इनकम को बड़े ग्लोरीफाई करती थी, इस सरकार ने भी जो है पर कैपिटा इनकम को इस बजट के जरिए ग्लोरीफाई करने की कोशिश किया कि ये 6.75% का जो है वृद्धि हुआ है। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एक आदमी जिसकी मासिक आमदनी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया है, और कोई एक आदमी जिसकी मासिक आमदनी जो है 1,000 रुपया, 1,200 रुपया है, या 3,000, 3,500 रुपया, 4,000 रुपया में आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक सहायिका कार्यकर्ता है, ये दोनों की आमदनी को आप एक
साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद उसका औसत निकाल कर अगर आप ये कहेंगे कि देखिए हमारे स्टेट के अंदर ये पर कैपिटा इनकम के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो ये वास्तविक तस्वीर को पेश नहीं करता है। और आज इसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, ये केंद्र के बजट में भी जो है इसी रूप में पेश करने की कोशिश होती है, राज्य के बजट में भी, वो अर्थव्यवस्था की या आम आदमी की जो वास्तविक तस्वीर है उसको पेश नहीं करती है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर या ये जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर आप विकास के मामले में जो है नया तस्वीर नए आइनिया दिखाने की अगर कोशिश करेंगे उसका जमीन के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। तो मुझे मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो बजट पेश किया गया है इस बजट के जरिए कांग्रेस बहुत बेहतर कर सकती थी। जो मौजूदा संकट है उस संकट से निकलने के लिए जो है प्रदेश के अंदर एक नई दिशा दे सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अवसर उन्होंने इस दूसरे बजट में खोया है। अभी तक तो जो बातें हुई पॉलिटिकल बातें हुई, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो माना जाता है एक स्ट्रक्चर माना जाता है बजट का कि शिक्षा में इतना प्रतिशत जीडीपी का खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, कुल मिलाकर अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे पहला तो ये कि इसे किसी प्रकार का कोई कर नया नियोजित नहीं किया गया है, नहीं लगाया गया है। ये पहली बात, कर न लगने से इनके आय के स्रोत में कटौती हुई है, राजस्व की इनकी सीमित सीमाएं हैं, जीएसटी लागू हो गया है, इस कारण ये किसी प्रकार के अपने ओर से कर का नियोजन नहीं कर सकते, अपने ओर से कर के दर में परिवर्तन नहीं कर सकते, केंद्र से मिलने वाले राज्यांश पर ही टिके हुए हैं। यदि अगर राज्यांश की राशि पर्याप्त इनको समय पर और प्राप्त होती है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में राज्यों को जो प्राप्त होती है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, यदि अगर वो समयबद्ध रूप में प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर हर राज्य का बजट व्यवस्थित और सुदृढ़ होगा। क्योंकि अब राजस्व का पैसा पाने के बाद राज्य सरकार के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो समाज कल्याणकारी कार्य के लिए काम करे समाज के लिए, दूसरा है अपने अधोसंरचना विकास के लिए। ये बजट मूलतः किसानों पर और कुछ हद तक शिक्षा कर्मियों की सेवाओं पर टिका हुआ रहा, दूसरा इन्होंने चिकित्सा पर भी ध्यान दिया, कृषि पर कुछ नए केंद्र बनाए, डेयरी वगैरह का भी विकास किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज हम भूल गए जिनको अभी लोगों ने उठाया भी, जिसे मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले बदलते हुए मौसम जलवायु परिवर्तन को और आपदा प्रबंधन को ध्यान देना था। हमारे यहाँ कृषि उत्पादन भरपूर हो रहा है, लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 15% अनाज सड़ जा रहा है, सिर्फ हम उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो पर्यावरण की ओर हमको ध्यान देना था, आपदा प्रबंधन की ओर ध्यान देना था, अनाज उत्पादन को सुरक्षित रखने की ओर ध्यान देना था, वह नहीं हुआ है। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में उन्होंने पूरा फोकस किया है, शिक्षा के विकास के लिए अच्छा कार्य है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वहीं पे दूसरी चीज कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है। 10-15 वर्षों से लंबित स्वामी विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान जैसे महत्वपूर्ण इकाई के विकास की थी, वह अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। संस्कृति का संरक्षण हो रहा है, पर्यटन का संरक्षण हो रहा है। अब एक चीज और, छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी गीत के ऊपर से लेके था, उस पर भी कुछ फोकस करना चाहिए था। इसे उनके प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ी में काम करने के लिए, शिक्षा को भी छत्तीसगढ़ी में समाहित करने के लिए जो प्रयास होने थे वह इसमें नहीं दिख रहा है। शायद वो सामान्य बजट के रूप में हो। बजट में बहुत सारी चीजें बारीकी से भी बताई गई है, वस्तुतः बजट में प्रदेश स्तर की चर्चा होनी चाहिए, हमें स्थानीय स्तर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत सी चीजों को प्रबोधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमको राज्य और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और इस बजट में जिस तरीके से जो नगर निगम और नगर पालिका की स्वायत्तता और वार्डों में पानी बिजली ये सब की पूर्तियों की व्यवस्था की बात की गई है, ये वास्तव में मूलभूत चीजें हैं जिसे पूर्ण किया जा रहा है। मेरे दृष्टिकोण से मैं इस बजट को बहुत सकारात्मक मानता हूं, और जो अंक इसमें मैं काटता हूं वह डिजास्टर मैनेजमेंट और जो वेदर मैनेजमेंट के ऊपर से जो लेके है, जो हमको नुकसान हो रहा है समय समय पर उसके नियंत्रण, या कहा जाए कि खाद्यान्न संरक्षण के लिए जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं हुआ है, उसे मैं नकारात्मक मानूंगा। बाकी है बजट मेरे ओर से प्रशंसनीय है, समाज के लिए जन कल्याणकारी प्रतीत होता है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी से। काफी सालों से आप बजट
कवर करते हुए आ रहे हैं, कई सारे बजट का विश्लेषण भी किया होगा आपने, इस बार का बजट कुल मिलाकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इस बार के बजट में पहली बात आय और व्यय की तरफ ध्यान देंगे तो, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में पहले ही पैसे बांटे जा रहे हैं, जैसे धान खरीदी को लेकर पैसा जा रहा है, अब इस बार बोनस में पैसा दे दिया गया, तो एक पैसे का जो इनको घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है, वो चुनौतीपूर्ण काम इस बजट में करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसान सबसे बड़ा मतदाता है, वो मतदाता के बीच ये संदेश जाए कि ये सरकार धान का बोनस देगी, क्योंकि बोनस को लेकर राजनीति भी बहुत हुई है, लड़ाइयां भी बहुत हुई हैं, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है छत्तीसगढ़ की, तब जब बोनस का आज पैसा देने का निर्णय किया गया, ये बड़ा निर्णय है, क्योंकि इसके पहले अभी तक धान खरीदी के समय भी ये कहा जा रहा था देंगे कि नहीं देंगे, तो ये जो सवाल था चारों तरफ, क्योंकि पिछले भाजपा सरकार ने दो बार नहीं दिया, इसलिए ये सवाल उठते रहे, तो इस सवाल को इन सरकार के सामने भी कटघरे में थे, तो एक बजट में लाके एक बड़ा राहत खुद के लिए भी महसूस किया और किसानों को भी जो वादा किया वो पूरा किया। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा है, जो थीम दिया आपने इस पूरे बजट का, वो दिया संजीवनी शब्द। उनका कहना था कि हम हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को संजीवनी देना चाहते हैं, संजीवनी से एक नई जड़ी बूटी है जो उनको राहत दे, उनको जीवन दे, उनको विकास की गति में ले जाए, ऐसे हर वर्ग को अलग अलग तरीके से बजट में राशि देने की कोशिश की गई है। ज्यादातर जो कोशिश दो उनके थे, एक शिक्षा कर्मी थे किसानों के अलावा जो बड़ी संख्या में थे, अब समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद शिक्षा कर्मी शब्द भी नहीं रहेगा और बचेंगे भी नहीं जब सिविलियन हो जाएगा, तो अभी उनके सामने बड़े बड़े वादे हैं, उसको पूरा करने के अभी बड़ी आगे समय है। अब जब आर्थिक स्थितियां वैसी नहीं है, नए आय के स्रोत नहीं है, जीएसटी के जो जैसा कर की बात हुई, जो कर तो अब लगाने की संभावनाएं नहीं रहती क्योंकि जीएसटी लगने के बाद केंद्र सरकार के अधीन हो गई है, तब राहत किस तरह से राहत दे सकती है सरकार, एक दूसरे अपने संसाधनों से कैसे आर्थिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं और लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में जिन संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को कैसे विकसित किया जा सके, जैसे कि इस सरकार छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया को आत्मनिर्भरता की बात करती है, तो लगता है मुझे कि जो संस्कृति में इस बार बजट काफी बढ़ाया गया है, तो संस्कृति में खर्च करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के साहित्य संस्कृति भाषा बोली और उन लोगों के सम्मान के हक के लिए जो चीजें हैं वो संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग के जरिए हो सकता है, तो इसलिए वो राशि बढ़ाई गई है। दूसरी बात जो इन सब से बात हटके कि जो शिक्षा का बजट है, एक तरह से आप अगर शिक्षा का सविलियनकरण करें, चाहे जो यहाँ पर पढ़े लिखे युवक हैं उनके खर्च उठाने की बात हुई है, वो एक बड़ी बात वो भी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता के दिशा में छत्तीसगढ़ का जो युवा है उसको अगर अपना नाम कमाने की इच्छा है, और जब आर्थिक हालातों के चलते हम ज्यादातर जो युवा हैं उनको देखते हैं कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन लिए रहते हैं, उन लोन को चुनौती रहती है परिवार के सामने पटाने की, तो एक जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको एक अवसर देने की कोशिश इस बजट में की गई है। अगर पूरे बजट को देखेंगे तो देखिए ज्यादा राशि वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि ज्यादा पैसे की है नहीं है, जो है पैसे उनके लिए निर्माण के जो बातें लगातार कही जा रही थी कि इस सरकार आने के बाद निर्माण के काम रुक गए हैं, तो सरकार ने पीडब्ल्यूडी और अर्ध निर्माण विभाग है, चाहे जल संसाधन है चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उन योजनाओं में भी पर्याप्त पैसा देने की कोशिश की गई है, क्या ताकि सड़कों की हालत सुधारा जा सके, नए निर्माण जो है इन इलाकों में की जो जरूरतें हैं जो उनकी कार्य योजना में है उनकी सोच में है उनको कैसे फलीभूत कर सकें, जैसे नई राजधानी में शहीदों के लिए बनाने का, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास बनाने का,
अन्य कई ऐसे चीजें हैं। और जल संसाधन में इस बार बोधघाट जो एक परियोजना लाई गई है उसमें ये कहा गया है कि जैसा बस्तर है, सरगुजा है, उन इलाकों में अभी खेती किसानी की संभावनाएं कम है, उन लोगों को कैसे पानी से जोड़ा जा सकता है, उन लोगों को कैसे खेती की तरफ लौट सकते हैं। अभी धान खरीदी के बाद छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो अपने खेत और गांव में लौट रहा है क्योंकि उससे उसको फायदा दिख रहा है। ऐसी स्थिति में बस्तर और सरगुजा क्यों अछूता रहे, उसके लिए एक कार्ययोजना बनाई गई है। तो एक तरह से हर वर्ग को कहीं न कहीं लाभ देने की कोशिश इस बजट से की गई। कोई बड़ा एक पूरे अगर देखेंगे तो माइलस्टोन जो खड़ा कर सकते हैं कि उसे एक बजट से बड़ा चीज वो नहीं है, परंतु क्योंकि वो इसके कारण नहीं है कि उनके वादे जो है, किसानों के वादे, शिक्षा कर्मियों के वादे और अन्य वादे हैं, उन वादों की तरफ जाने का उनको समय है, तो उस समय का उपयोग इस बजट में करने की कोशिश की गई है। सुरेंद्र शर्मा जी से बात करते हैं। जिस तरह से आपने सुना, लगभग सभी ने, आपके दोनों प्रतिद्वंदी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, अर्थशास्त्री महोदय हैं, उन्होंने भी कहा कि जो प्राकृतिक आपदा, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो असामान्य स्थिति दिख रही है कि अब कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब बारिश हो जाए, और बारिश के साथ ओलावृष्टि, तूफान है ना, बहुत सारे चक्रवाती तूफान समय समय पर आ रहे हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कृषि प्रधान अपना राज्य है और इस बजट में ऐसा कोई विजन नहीं दिखता है। इसके अलावा जो बातें कही जा रही कि शराबबंदी के आपके वादे थे वो पूरे नहीं हुए, बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात थी वो पूरी नहीं हुई, कुछ तकनीकी आधार पे महापात्रा जी ने भी बताया कि सोर्स क्या होगा, आपका बजट तो इतना बड़ा है लेकिन उसका सोर्स क्या होगा। आपने नीचे लेवल पे खास तौर पे जो वर्कर होते हैं उन्होंने उदाहरण दे के बताया कि उन जो आप वो पर कैपिटा इनकम की जो बात करते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको उनके वेतन में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होती। इन तमाम बातों को आप किस रूप में समझाएंगे? मनोज जी, मैं तपेश जी के और राम अवतार तिवारी जी के कथन का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जिन सीमित संसाधनों में और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बजट है और ये एक सही दिशा की ओर अग्रसर है। अब जहां तक बजाज जी का सवाल है, उनको तो अपना धर्म पूरा करना है कि उनको हमारे बजट में अच्छाई कैसे दिख सकती है। इसलिए अगर वो अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जी इस बजट के से कोई और नया चीज करने की संभावना सरकार के पास है भी नहीं है। नहीं नहीं, ये उसी बात ये के वादे नहीं नहीं उसी बात पूरा करने की तरफ जाना पड़ेगा। दो ऐसे कारणों पे चलते कई ऐसी चीजें हैं। तीसरा जो है, मैंने देखा है कि 15 सालों में हम देखें कि छत्तीसगढ़ नया राज्य था तो उस दौरान निर्माण विभागों को खासकर अलग अलग तरीके से भवनों का निर्माण या और सड़कों के निर्माण पर ज्यादा जोर दिया गया था। इस सरकार ने अपनी एक नीति बनाई है, देखे इतने सालों में वो एक तरह से नहीं दिख रहा है। तो एक सरकार के सामने सबसे बड़ा कारण है कि उनके सामने खुद सीमित संसाधन और पैसा नहीं है। पैसा है तो कितना सही तरीके से संजीवनी देकर उनको जिंदा रखा जा सकता है, ज्यादा खुशहाली की तरफ ले जाने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, खुशहाली की तरफ ही ले जाने का प्रावधान है। दरअसल में आप जिसको विलासिता कहते हैं, जैसे स्काई वॉक बनाना या बड़े बड़े इस तरह के जो भव्य इमारतों का प्रदर्शन करना, आप एक कमल विहार बना देना या हजारों एकड़ जमीन खरीद के नया रायपुर बसा देना जहां कोई रहता नहीं है, ये कांग्रेस की प्राथमिकताओं में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो बुनियादी चीज है, किसी भी घर का बजट कैसे बनता है? जब आदमी के पास जितनी आमदनी होती है, पहले वो अपने पेट भरने का इंतजाम करता है, उसके बाद फिर अपने बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करता है, कुछ पैसे की व्यवस्था वो अपने चिकित्सा के लिए रखता है, आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा की कोई आवश्यकता पड़ जाए। सरकार ने ठीक इसी तरह से एक घर के मुखिया के दृष्टि से हमारे जो अधिकांश जो लोग हैं वो कृषक हैं, कृषि मजदूर हैं, वनांचल में रहने वाले आदिवासी हैं, उनके लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया, वहाँ के विकास की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपा। उद्योग के क्षेत्र में बड़े बड़े सीमेंट के उद्योग या लोहा के उद्योग या कॉपर के उद्योग लगाने के बजाय इस बात को कहा कि आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए,
आप जो है वनोपज पर आधारित कृषि उपज पर आधारित उद्योग लगाइए, उसमें आपको हम बढ़ोतरी देंगे। 75,000 नौजवानों को एक मानदेय दे करके एक काम में लगाने का जो प्रयास किया, ये बहुत अद्भुत कदम है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। आपात स्थितियों में जो आपात व्यवस्था होती है, आपात व्यवस्था के लिए सरकार के पास बजट का प्रावधान रहता ही है। अगर आपका फसल नुकसान होता है या किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कोई पानी में डूब जाता है, तो ये राहत आपात राहत व्यवस्था में हर कलेक्टर ऑफिस में, हर तहसील ऑफिस में इसकी व्यवस्था रहती है। और मेरे ख्याल से उसके बजट में भी 10-5% के का वृद्धि हुआ होगा, ये बात निश्चित है। कि आपकी बात से सहमत हूँ, तपेश जी के बात से सहमत हूँ कि आज की तारीख में आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बदलता हुआ जो वातावरण है, बदलता हुआ जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मगर सवाल इस बात का उठता है कि हमारे पास 60 महीने का समय है, या अभी 14-15 महीने का समय हुआ है। प्रारंभिक स्तर पे पहले हम खड़े हो जाएं। जो एक छत्तीसगढ़ की जो सपना देखा था, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोगों ने सपना देखा था कि हमारे खेत में पानी आएगा, हमारे पेट भरे रहेंगे, हम पेट भर चावल खाएंगे, हमारे बच्चे भी सुपोषण युक्त चावल, उनको चना मिलेगा, उनको गुड़ मिलेगा, उनका शरीर स्वस्थ और ठीक रहेगा, मलेरिया से और तरह तरह की जो क्या कहते हैं मौसमी बीमारी है उससे मृत्यु पर रोक लगेगी। एक जो प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती है छत्तीसगढ़ की, आम आदमी को पहले वो मुहैया करा लिया जाए, उसके बाद आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को बहुत अग्रणी भी देखना चाहते हैं। और इस दिशा में भी सरकार ने काफी कदम उठाया है। अगर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारे गढ़कलेवा का पूरा समस्त पूरे तहसील क्षेत्रों में केंद्र खोलने का जो प्रारंभ भी किया है, हमको गौरव होना चाहिए। हमको हमारे चीला पे, हमारे ठेठरी पे, खुरमी पे, अरसा पे, हमारी जो खाद्य प्रणाली है, हमारी जो नाट्य प्रणाली है, हमारे यहाँ जो बोलने का तरीका है, हमारे यहाँ के जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ के जो लोक संगीत हैं, अगर आदमी को किसी भी राज्य के लोगों को अपने राज्य पर गर्व नहीं है, अपनी भाषा पर गर्व नहीं है, अपने खान पान पर गर्व नहीं है, अपने काम पर गर्व नहीं है, अगर किसान का बेटा अपने आप को किसान का बेटा कहने में संकोच महसूस करता है, तो ये बहुत बड़ी पराजय है। इन सारे चीजों से उबारने का प्रयास हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वित्त मंत्री के हैसियत से किया है। और मैं तो बहुत ही, मैं किसान का बेटा भी हूँ, मैं झीरम का घायल भी हूँ, दोनों दृष्टि से मुझको इस बजट को देख करके मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और मुझको लगता है कि ये बजट जो है छत्तीसगढ़ को एक दिशा की ओर ले जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से आपकी सारी आकांक्षाएं एक साल में पूरी नहीं होंगी। हमने जितने वादे पूरे किए हैं, शराब का विषय है, इस दिशा में भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ेगी अवश्य, मगर हमको थोड़ा समय दीजिए। इस दिशा में भी आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से प्रयास दिखेगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने 36 वादे किए थे, उसमें से 21 वादे पूरे हो गए हैं, 15 वादे हैं। आप इत्मीनान रखिए, आने वाले समय में आपको ये वादे भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बजाज जी, आपने सुना शर्मा जी को, उनका कहना है कि बजट की प्राथमिकताएं साल दर साल अलग होती हैं। इनकी घोषणा पत्र जो है 5 साल के लिए बनी है। आप लोग बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं कि शराबबंदी भी कराना चाह रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता भी तुरंत दिलाना चाह रहे हैं, तो इनका तर्क यही है कि 5 साल के लिए पूरा घोषणा पत्र है और 5 साल में ये सभी घोषणा पत्रों को पूरा करेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि घोषणा पत्र 5 साल के लिए होते हैं। किसानों को इन्होंने कहा था कि हम पेंशन देंगे, 60 साल से ज्यादा उम्र के जो किसान हैं उनको 1,000 रुपये प्रति महीना, और 75 साल से अधिक उम्र के किसानों को 1,500 रुपये प्रति महीना किसान पेंशन हम देंगे। अब ये दे नहीं रहे, क्या 2023 में देंगे? आज अगर नहीं मिल रहा है 5 साल पूरा करते करते, तो फिर इसका लाभ कम मिलेगा क्या? अगर 2022 में अगर देंगे, 2022 के बजट में किसान पेंशन का प्रावधान रखा जाएगा, तो 2018 से 2023 तक का दिया जाएगा क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से इन्होंने बेरोजगारों को 2,500 रुपये भत्ता देने का वादा किया, तो उस वादे के हिसाब से 15 महीने का जो अभी 2,500 रुपये के हिसाब से हिसाब लीजिए,
कि एक बेरोजगार को कितना मिलना चाहिए, उस पैसे की भरपाई कैसे करेगा नौजवान। और उसके झांसे में आया, कांग्रेस के घोषणा पत्र के झांसे में आया, और इनके झांसे में आकर उन्होंने वोट दिया, लेकिन आज पछता रहा है। शिक्षा कर्मियों के मामले में थोड़ी राहत की बात हो सकती है कि इन्होंने संविलियन की घोषणा जरूर की है, लेकिन क्रमोन्नति कैसे होगी? 8 साल, 6 साल, 2 साल के जो सीनियर है उनका वेतनमान कैसे निर्धारित होगा, इसका कहीं बजट में उल्लेख नहीं है। ना ही शिक्षा कर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे मालूम है कि शिक्षा कर्मियों के जो मृत शिक्षा कर्मियों की पत्नियां हैं, कई कई दिन तक मंत्रियों के चक्कर काटी है, कई मंत्रियों के बंगले में गई है, बार बार गुहार लगाती रही कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दो, लेकिन इस बजट ने ऐसे महिला हमारी बहनों को बहुत हताश और निराश किया है। तो कुल मिला के हर वर्ग का ध्यान रखे हैं, ऐसा करके इन्होंने संजीवनी नाम जो बजट का दिया है, बिल्कुल इसका उल्टा है। बजट में जो सामान्य वर्ग होते हैं वही हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई इनका, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि कोई भी इनकी घोषणा पूरी नहीं हुई है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात है, कर्जा माफ सभी किसानों का आज तक नहीं हुआ है। इन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, 17 लाख करोड़ रुपया का इन्होंने कर्जा माफ करने की बात कही है, लेकिन कर्जा कितना है किसानों के ऊपर ये तो देखें। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे के लिए आज भी लोग जूझ रहे हैं। अभी आज इन्होंने कहा ना कि 17 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया है, तो 17 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, लेकिन कर्जदार किसान कितने हैं? लगभग 20 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्जा था। बाकी किसानों का कर्जा अभी तक क्यों पेंडिंग है, और क्या वो 2022-23 में इनको पूरा करेंगे ये बताएं? हमारी सरकार थी, और हमारे हमको जब इस प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी को सौंपी गई, उस समय हमको विरासत में क्या मिला था? गरीबी, भुखमरी और पिछड़ापन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस गरीबी, भुखमरी और पिछड़ापन से संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ को भूख मुक्त किया, छत्तीसगढ़ को पलायन मुक्त किया। लेकिन अभी जैसे महापात्र जी बता रहे हैं, और मुझे भी यह जानकारी है कि कई इलाकों में अभी से पलायन शुरू हो गया है, पिछले 1 महीने से लगातार पलायन हो रहा है, और पलायन को रोकने के लिए बजट में कोई चिंता नहीं की गई है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है, और कुल मिला के यह बजट दिशाहीनता को प्रकट करता है। और एक प्रकार से हम ये कहें कि अगर मंत्रियों के हिसाब से होंगे हमले, तो अनेक मंत्री भी असंतुष्ट होंगे, उनके विभाग का आवंटन इतना कम दिया गया है कि वो काम कैसे कराएंगे, अपने विभाग के लोगों को संतुष्ट कैसे करेंगे, ये सोचने की बात होगी। और आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए बहुत निराशाजनक होने वाला, ऐसा मैं मानता हूँ। बजट से हम कतई संतुष्ट नहीं है, रूटीन के काम करने के लिए होता है। ग्रामीण विकास के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव अभी हुए, नए नए पदाधिकारियों ने बागडोर संभाला है गाँव का, उनको काम करने का अवसर देना है, इसलिए बजट में कहाँ का प्रावधान है? नई कोई योजना नहीं है। हमने कहा था निर्मला घाट हम बनाएंगे, मुक्ति धाम हम बनाएंगे, गली कॉन्क्रीटीकरण हम करेंगे, गांव में सामुदायिक भवन बनाएंगे, ऐसे नई नई योजनाएं बनाकर गांव के विकास के लिए काम किया। उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, स्कूल के भवन बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन अभी के जो बजट आया है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति बजट पूरी तरह मौन है, और ग्रामीण जनता भी हताश है। ग्रामीण विकास की पूरी तरह से इस बजट में अनदेखी की गई। चलिए महापात्र जी जानते हैं, जैसा कि प्रजाप जी ने कहा, ग्रामीण विकास की अनदेखी की गई है, सहमत हैं आप? बात यह है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अभी जो है केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बजाज जी ने जो कहा, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद जो है नतीजा ऐसा क्यों हुआ, तो जनता ने उसका जवाब दिया है। दूसरी बात है, मौजूदा केंद्र सरकार भी जो है वो क्या कर रही है, किसानों के मामले में कितनी गंभीर है,
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अमल के मामले में हो या समर्थन मूल्य के मामले में जो है उस सरकार की नीति का मसला हो, वो भी अपने आप में जो है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही कारण है कि पूरे देश में किसान सड़कों पर है, लड़ाई के मैदान में। मैं जो बात कहना चाह रहा था, दो मुख्य बातें हैं जो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं, वो निश्चित रूप से उनकी सरकार है, उन्होंने बजट पेश किया तो वो अपने बजट की प्रशंसा करेंगे, इसकी तारीफों के पुल बांधेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात यह है, ये हेल्थ के सेक्टर में जो आप फोकस करने की बात कर रहे हैं, देखिए आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केंद्र की सरकार भी यही दावा करती है कि इंश्योरेंस के जरिए, बीमा के जरिए जो है हम हेल्थ की सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस सरकार ने भी हेल्थ सेक्टर में जो वाहवाही लूटने की बात की है, उसका फोकस हेल्थ इंश्योरेंस है। ये समझने की आवश्यकता है कि लोगों को स्वास्थ्य बीमा के, आप बीमा के जरिए आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? अगर आप सही मायने में चिकित्सा को संबोधित करना चाहते हैं, हेल्थ आपकी अगर प्रायोरिटी का हिस्सा है, तो फिर हमारे खुद के जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आपने बजट में क्या कदम उठाया है? हमारे खुद के जो रायपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है 700 बेड, या हमारा डीके हॉस्पिटल है, या गांव-गांव में हमारे जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कितने को आप अपग्रेड कर रहे हैं? कितने में 30 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं? कितने को 50 बेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं? कितने, ये नहीं हो रहा है। आप जो है ये इंश्योरेंस अगर आप ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हेल्थ को कंप्लीट जो है प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का एक ये जो सो कॉल्ड मुहिम चल रहा है पूरे देश में, आप उसी को छत्तीसगढ़ में क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? इसलिए इसका अर्थ ही होता है कि आप पूरे हेल्थ सेक्टर को जो है प्राइवेट कैपिटल को, और प्राइवेट जो कौन लोग हैं जो लगा रहे हैं, ये बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं, ये उनको प्रमोट कर रहे हैं। आपका खुद का तजुर्बा क्या है? कांग्रेस ने खुद ये अनुभव किया है, उनका खुद का ये आरोप था कि एग्रीकल्चर के मामले में फसल बीमा योजना जो हुई है वो फसल बीमा योजना किसानों को मदद करने के लिए नहीं है। वास्तविक मामले में जो है फसल बीमा योजना में एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं वो मालामाल हो रही हैं, किसान को कोई मदद नहीं मिल रहा है। अगर आप हेल्थ सेक्टर जैसे एक प्रायोरिटी सेक्टर में अगर आप केवल इंश्योरेंस फोकस अगर होने की बात कर रहे हैं, तो ये हेल्थ के सेक्टर को पूरी तौर पर कॉर्पोरेट्स के हवाले करने का कदम होगा, जिस पर गंभीरता से सवाल सरकार को जो है सोचना चाहिए। इसकी बजाय आप खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर में उसको प्रमोट करिए, उसके लिए बजट एलोकेट करिए, उसको अपग्रेड करने, अद्यतन करने के लिए, ताकि जो है निजी चिकित्सा की बजाय सरकारी हमारे जो संस्थान है उनके प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़े। और जो सबसे जो डाउन ट्रेडन है आज भी जो है उसी पर निर्भर है, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे और इंश्योरेंस के जरिए अगर आप ये समझेंगे कि लोगों को चिकित्सा का लाभ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक किस्म की बेईमानी हो। दूसरी एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि देखिए इस सरकार ने जो है शिक्षा कर्मी के संविलियन का बात किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का यह भी प्रॉमिस था कि बड़े पैमाने पर राज्य के सरकारी विभागों में जो दैनिक वेतन भोगी काम कर रहे हैं वर्षों से, उनका भी नियमितीकरण होगा, लेकिन इसके बारे में उन्होंने इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए महंगाई की मार से देश की जनता, प्रदेश की जनता पीड़ित है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ठीक है कोई नया कर नहीं लगाया, लेकिन ये आप जो है पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है उसके युक्तियुक्त संगत बनाकर कुछ राहत देने का कदम उठा सकते थे, कोई संकेत दे सकते थे। आप जो है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चला रहे, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ोतरी कर रही है, और इसीलिए उन्होंने पेट्रोल को जो है और डीजल को, रसोई गैस को और इनको जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया। सिलेंडर का कीमत बढ़ रहा है, पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, डीजल का कीमत बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से हर चीज की कीमत पर असर होता है। तो उसमें कुछ रिलीफ देने के लिए आप कदम उठा सकते थे, ताकि आप अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको भी यह संकेत दे सकते थे कि हम जो है अपने राज्य के अंदर हमारे सीमित संसाधन के बावजूद हम जनकल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो हम जनता को राहत देने के लिए कदम उठा रहे हैं, और आप उनको कटघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन आप जो है वो भी एड्रेस करने में असफल रहे। जी, दौर से अभी हम सब गुजर रहे हैं। पिछले साल के बजट से ऐसा कहा गया कि पूरे देश में मंदी है लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है, क्या वो चीज इस बजट से कंटिन्यू रहेगी वही स्थिति? सरकार के पास पैसा नहीं है, जैसा अपेक्षा कर रहे थे, जिस प्रकार के बजट की अपेक्षा थी वैसा बजट इनके पास, या कहूँ राजस्व के साधन उपलब्ध नहीं है, उनको अपनी सीमाओं में रहना है।
पर आम जनता के पास पैसा कहाँ से आएगा? जैसे अभी इन्होंने पंसारी जैसी योजनाएं शुरू की, छुटपुट व्यापार वगैरह की बात शुरू की, डेयरी टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा वगैरह की बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। और एक बहुत सुंदर सा काम हुआ जो कि हमने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को हर जिले और तहसील तक पहुंचाने का प्रयास किया, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और वह अपनी क्रय क्षमता के अनुसार से कार्य करेगा। सरकार ने भी अपने ओर से, राज्य सरकार ने कोई बॉन्ड कोई योजना ऐसी जारी नहीं की। अब आप इस पर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से समय का अभाव है, तो मैं चाहूंगा कि इस पूरे बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, तो निश्चित तौर पर वह धनराशि जनता के पास ही बची हुई है। तो जनता, मनोज जी, अब मनोवृत्ति जो है बचत की नहीं है, अपने वर्तमान जीवन को साकार और प्रभावशील बनाने के लिए व्यय करने की है। अब बजट के इस चर्चा के दौरान दो तीन बातें आई। बजट के एक मूलभूत आधार होते हैं, उस आधार को भूलकर हम लोगों ने कुछ प्रशासकीय बिंदुओं पर बात की। जैसे हमने कहा पदोन्नति क्रमोन्नति, तो पदोन्नति क्रमोन्नति शासन की नीतिगत चीजें हैं जिसको कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। यदि अगर यह पदोन्नति होती है, समय पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है, यात्रा भत्ता प्राप्त होता है, कर्मचारी संतुष्ट होता है, तो उससे भ्रष्टाचार नहीं होता, एक बात। दूसरी चीज है कार्य की दक्षता में वृद्धि होती है। अब स्थिति यह हो गई है, आज से नहीं जब से राज्य बना है तब से एक भाषा सुनते हुए आ रहा हूं जिसको हर कोई साधारण सा जनप्रतिनिधि उसके लिए प्रयोग कर लेता है, शासकीय कर्मचारी 24 घंटे का नौकर होता है। ये बजट का विषय नहीं है, पर बजट को ये प्रभावित करने वाला विषय है। जो कर्मचारी अधिकारी समर्पण से बात करता है, काम करता है, उसकी ओर दृष्टिगत नहीं होती। वहां पे बात उठती है कि एक्स वाई जेड कह रहा है तो वो कौन से पार्टी से जुड़ के कर रहा है। हर बात का राजनीतिकरण इतना मत कर दीजिए, बजट का भी इतना राजनीतिकरण मत कर दीजिए। बजट बनाने के पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव मंगा था, अगर बीजेपी को ये लगता था, दूसरे पार्टी को या आम जनता को लगता था कि उसके बजट के लिए प्रावधान हो, तो कितने लोगों ने यह प्रस्ताव दिया। बजट पूर्व प्रस्ताव जब मांगती है शासन, तो आपको प्रस्ताव देना चाहिए और स्वीकार होता है नहीं होता है यह भी देखा जाना चाहिए। और प्रस्ताव देते वक्त तर्क संगत और औचित्यपूर्ण टिप, यानी उसका महत्व क्या है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा, ये देखना होगा। अन्यथा राजनीतिक दौर पर प्रजातांत्रिक रूप से चुन की आई हुई सरकार वह अपने एजेंडा के अनुरूप बजट बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका ऐसे बजट पर किसी प्रकार की आलोचना न करते हुए उसे सही दिशा बनाने के मैं पक्ष में होता हूँ। फिर रहा जहां तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात है, बजट कटौती प्रस्ताव भी आता है, क्योंकि समय का अभाव है। तर्क संगत रूप से बातें करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, सभी पैनल में जुड़े हुए थे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आया है, हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट प्रदेश को आगे लेकर जाएगा। इस बजट में बड़ी सौगात निश्चित रूप से शिक्षा कर्मियों को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार अपने उस वादे से पीछे नहीं हटी जिसमें उसने कहा था कि वो किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल हर हाल में देगी। भूपेश सरकार ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए नई योजना का ऐलान किया था और इसके साथ ही युवा पर्यटन और सुपोषण को लेकर सरकार ने बजट में बड़े प्रावधान किए। खैर, अब देखना होगा कि भूपेश सरकार का यह बजट क्या वाकई जनता का कल्याण करेगा या विपक्ष के दावे के मुताबिक बजट में किए गए ऐलान हवा हवा ही साबित होंगे। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी मुद्दे के साथ अन्य मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।